नहीं, मुझे टेस्ट करना चाह रहे हैं किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, मगर मेरी दादी कहा करती थी कि चावल गल गए हैं नहीं, पूरा चावल देखने की जरूरत नहीं, एक दाना निकाल के देखना पड़ता है। तो ये बहुत गली हुई किताब है और मेरे जो मुझे समझ में आया, इसका फॉरवर्ड भी एक बहुत ही अच्छी शख्सियत ने लिखा है, हरीश कपाड़िया जी ने, जो एक्सप्लोरर हैं। हम जितने जितने बड़े बड़े मेट्रो शहर में जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा अपने आप से नाता टूटता जा रहा है। पहाड़ों के लोग अगर आप देखेंगे, दे आर मच मोर सिंपलर, बिकॉज उनकी डीलिंग बहुत ही सिंपल लेवल पर होती है। जब मैं थोड़ा मैंने होश संभाला तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप तो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, आपको सब लोग नमस्ते क्यों करते हैं पूरे शहर में? तो कहते बेटा कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था, 6 महीने जब मैं इस शहर में आया था तो 6 महीने मैंने सबको नमस्ते किया, अब पिछले 30 साल से सब मुझे नमस्ते करते हैं। तो दैट्स द काइंड ऑफ इनोसेंस दिस बुक टॉक्स अबाउट। ऑफकोर्स हिमालय जो है वो उसके कुछ फिक्स्ड 10% ही पार्ट ऑफ हिमालय लोग देखने जाते हैं, या कश्मीर की वैली देख लीजिए या आप हिमाचल में चले जाइए। इस बुक के जरिए 90% अनएक्सप्लोर्ड जो है एरिया, उसके बारे में बहुत ज्ञान है और ज्ञान की बातें हैं। अगर आप कभी जाएंगे तो मुझे बताना, मैं आपका हिमाचल की तरफ कर दूंगा इंतजाम, ठीक है? मैं पिछले 5 साल से खुद भी ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत लोग भी हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हमारे खुद के और लोकल लोगों के, जिनको हम मिलते हैं, उस टाइप की बेसिकली स्टोरीज हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। हाँ, लोगों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है, जो इनके छोटे छोटे एनेक्डोट्स करने को देखने को मिले, सुनने को मिले, लोगों की जीवनी के बारे में इनको काफी कुछ पता लगा और इनके थ्रू अब बहुत सारे लोगों को पता लगेगा। अनुपम जी, आप भी आपने ये किताब लिखी है, नो किताब बच्चन साहब माय थे विमोचन के लिए, और उसे काफी सराहा है, तो और कुछ किताब पे आप काम कर रहे हैं? मेरे सांसे से किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, और खासकर जो किताब पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिखी जाए, जो एक ऐसा फिक्शन जो जिसका नाम कुछ ऐसा भी हो और सब लोग खरीद लें। और चूंकि मेरा किताब लिखना पेशा नहीं है और मैं तभी लिखना चाहूँगा जब मेरे अंदर में कुछ कहने की बात हो, और मैं ऑटोबायोग्राफी अभी नहीं लिखना चाहता हूँ। ऑटोबायोग्राफी मैं स्टेज पर करता हूँ, जिसका नाम है कुछ भी हो सकता है। मैंने एक अगली किताब का सिर्फ टाइटल सोचा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, और एक साल लगेगा उसको पूरा करने में, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूँ, मैं वो कंप्यूटर में एक उंगली दबा के ऐसे मुझसे नहीं लिखा जाता है, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, तो मैं पेन से लॉन्ग हैंड में लिखता हूँ। तो आई थिंक बाय द नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू कम आउट विद दैट बुक। सब चैप्टर में मैंने ही लिखा है, बट मेरा कुछ चैप्टर जिसमें मैंने लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जो मेरे साथ चल रही है, और आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस टाइप की है। बट अदर समरी मैंने बताया था कि हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे साथ जो लोकल लोग जिनको मिलते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, कुछ फनी, कुछ स्केरी, कुछ स्ट्रेंज। अनुपम जी, जैसे अभी आपने कहा हमने अपनी किताब के टाइटल का जिक्र किया, जी जी, तो लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, जीवन ने जो मुझे जानकारी, जी जी जी, तो किस तरह के सबको की बात हो, मतलब किस तरह के आपके जीवन से उठे हुए होंगे वो, जैसे बहुत सारे जैसे माँ बाप जो सबक बिठा के सिखाते हैं या जो स्कूल्स में टीचर बिठा के सिखाते हैं, सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना पाप है, वगैरह वगैरह, जैसे मेरी चोरी का मेरा जो लेसन मेरी माँ ने मुझे सिखाया था वो बहुत फनी था और डरावना भी था। हमारे स्कूल में एक साधु जी आए थे और हमारे को बोला गया था कि आप घर से आटा लेकर आओ या चावल लेकर आओ या पैसे लेकर आओ, और
ये आपको देने हैं दान में। तो मैंने घर में माँ से बोला कि मुझे भी, उन्होंने मुझे 5 पैसे दिए थे और 3 पैसे और 2 पैसे आते थे तब अलग अलग। और जब मैं दूसरे दिन स्कूल में गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे नहीं दे रहे हैं आटा चावल या पैसे और उनको कुछ बोला नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ये 5 पैसे मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ। मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब, और मैंने वो जेब में रख लिया और माँ को बोल दिया कि रात को कि हाँ 5 पैसे दे दिए थे उस बाबा को। शाम को होमवर्क करने बैठा तो रबर नहीं मिल रहा था और वो 2 पैसे जो थे वो बस्ते में रह गए थे। तो जब माँ ने पलटा और उसमें से 2 पैसे मिले तो बोले ये कौन से 2 पैसे। तो मैंने कहा ये वो पता नहीं कैसे गिर गए, कहाँ से गिर गए। तो उन्होंने मुझे मेरे कपड़े उतार के घर के बाहर खड़ा कर दिया ठंड में और दरवाज़ा नहीं खोला। वहाँ तो 6 बजे रात हो जाती है और 8 बजे तक दरवाज़ा नहीं खोला। और बोले नहीं, तुम या तो चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे। वो लेसन 4th क्लास में हुआ है मगर आज भी मुझे वो बिल्कुल याद है। वो स्याह रात मेरे पांव नंगे थे, मैं सीमेंट पे खड़ा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था, रो रहा था। तो उसने अनोइंगली मुझे सिखाया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो कहीं ना कहीं इसकी मुझे सीख मिली। इस तरह के बहुत सारे फनी तरीके से लोग लेसन सीखते हैं। जो चीज़ सिखाए जाते हैं ना बैठ के, उसको आदमी इग्नोर कर सकता है। अब हम विषय से भटक रहे हैं। 21 लोगों की सलामी मेरे ख्याल से अगले साल मिड। लामा इज अ वंडरफुल बुक एंड दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर। सो आई कंग्रेचुलेट मिस्टर गौरव पुंज फॉर राइटिंग दिस बुक। थैंक यू वेरी मच। लेट आए बाजार।